कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व करूँ। तुलसी बेटे आइए ना, बैठिए। मैं तुम्हारे लिए लस्सी लाई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? अरे ये तो मेरा फर्ज है बेटे, मैंने तुम्हें किचन में काम करने को मना किया था, तुमने माना नहीं। अब डॉक्टर ने कहा तो मानना पड़ेगा ना। अब मैं तुम्हें ये बिस्तर से उठने नहीं दूंगी। माँ, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और आप मुझसे बड़ी, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है ना? उफ़ उमेर, अब तुम ही समझाओ तुलसी को कि क्या सही है और क्या गलत है। तुलसी, माँ ठीक कह रही है, और फिर ये सिर्फ एक दो महीने की तो बात है। मेहर, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन तुलसी है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। मानेगी माँ, क्यों नहीं मानेगी, ऑफ कोर्स मानेगी। तुलसी, अब तुम घर की चिंता छोड़ो, तुम सिर्फ खानदान के वारिस का ध्यान रखो। मैं हूं ना, मैं घर संभाल लूंगी। माँ, आप भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे काम करने से मना कर दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड नाइट। देखा माँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखती क्या? मेरा मतलब है कि माँ का ख्याल मुझे रखना चाहिए ना? जी नहीं, फिलहाल तुम सिर्फ उसका ख्याल रखो। वो किसका बच्चा है मीर? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम इसका ख्याल रखो, ठीक है? भाभी, जेडी ने आप दोनों को अंबा भवन के उद्घाटन के बारे में तो बताया ही होगा। हाँ, वो बाग के हाथों से वो रिबीन कटवाने वाले हैं, बताया था। गायत्री, तुम बा के पास इनॉग्रेशन करवाना चाहती हो? नहीं, मतलब कोई बड़े डांसर के पास करवाओ तो, आखिर डांसिंग इंस्टीट्यूशन है ना। मतलब बा के पास करवाना बहुत अजीब सा लगता है ना। ये तो ऐसा लगेगा कि जैसे बा ने तुम्हें पैसे दिए हैं इसलिए। सच्ची में सविता दीदी की बात एकदम बराबर है, कोई बड़े हीरो के हाथ से उद्घाटन किया होता तो। लेकिन हम लोग भी क्या कहें ना तुम्हें, तुम्हें तो अब सिर्फ बा और तुलसी की बात ही अच्छी लगती है, हम लोग क्या बोले? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूशन बनने में उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बड़ा हाथ है? हाँ, मतलब उन लोगों ने जो पैसे दिए वो, और तुलसी ने क्या किया? गायत्री, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी और तुम्हारे पति की मेहनत का और लगन का। मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी सविता भाभी, काम की शुरुआत जिनसे हुई वो बा, बाबूजी और तुलसी ही तो है। गायत्री ने बिल्कुल सही कहा है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या बैठे हो? जाओ, बा तुम्हें बुला रही है। मुझे? हाँ। अच्छा भाभी। अरे हाँ, कहना भूल गया, सविता भाभी, दक्षा भाभी, खैर आपको कैसा न्योता देना, आप दोनों तो ठहरे घर के सदस्य हैं, आपके साथ ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, लेकिन खैर फिर भी आप दोनों जरूर आइएगा ओपनिंग में। दक्षा, मुझे अपनी बनी बनाई पोजीशन टूटती दिखाई दे रही है। दीदी, बा के बदले अगर जमुना भैया ने आपसे उद्घाटन करवाया होता तो। राकेश, मुझे सच बताओ कि क्या हो रहा है? पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब सुहासी मुझसे कुछ छुपा रही थी, बात क्या? मुझे नहीं मालूम वो बात क्या है। राकेश, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देना सही नहीं समझता, लेकिन सुहासी का बड़ा भाई होने के नाते मेरा यह हक बनता है कि मैं जानूं कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो है। देखो मीर, सुहासी के पति होने की हैसियत से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सुहासी इस घर में सुरक्षित है और खुश भी। लेकिन सुहासी अभी खुद एक बच्ची है, और बच्चे को संभालना उसकी सोच के भी बाहर है। राकेश, वो बच्चा किसका है?
और सुहासी ने वो बच्चा एक्सेप्ट कैसे किया? ये बात आप सुहासी से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राकेश कि वो बच्चा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। राकेश तुमने मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बताओ वो बच्चा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? प्लीज भाई आप छोड़िए, शांत हो जाइए आप, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 महीने का टाइम देता हूँ, तुम्हें जो भी डिसाइड करना हो इस 2 महीने के अंदर करना। मैं 2 महीने के बाद फिर से यहाँ आऊंगा और अगर मुझे यहाँ के हालात में कोई बदलाव नजर नहीं आया तो मैं सुहास को यहाँ से ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए, समझे? चलो। तुलसी, हमारा शक सही निकला, उन लोगों ने सुहासी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन अब क्या होगा मिहिर? होना क्या है, हमें सुहासी को वापस इस घर में ले आना है। I have decided that. मिहिर प्लीज धीरज से काम लो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। देखो कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सुहासी से बात करनी चाहिए और अगर वो ना चाहे तो हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुलसी सुहासी वहां पर अकेली है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है वहां पर। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो मिहिर, लेकिन सुहासी के साथ साथ हमें राकेश के परिवार और अपने परिवार के बारे में भी तो सोचना है ना। राकेश ने अगर 2 महीने के अंदर कोई कदम नहीं उठाया तो 2 महीने के बाद मैं सुहासी को इस घर में वापस ले आऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। राकेश का परिवार मेरी बहन से बढ़कर नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट आई डू। Many, many happy returns of the day. ये रात तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, इसे एक्सेप्ट करिए। Thank you so much. अरे ये क्या, तुम मेरे लिए इतना सस्ता सा तोहफा लेकर आए हो? तुम क्यों भूल रहे हो कि मैं वीरानी खानदान की बहू हूँ? कम से कम मेरी हैसियत का तो ख्याल करना चाहिए था ना तुम्हें। मैं मजदूर हूँ मैडम, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं आपको एक महंगी गिफ्ट लाकर दे सकूं। आदमी को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाने चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम मजदूर नहीं हो, सिर्फ मजदूर बनकर यहाँ पर आए हो। यू हैव टू कम बैक। ऑफ कोर्स आई विल कम बैक, बट बिफोर दैट आई हैव टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ दीस वर्कर्स। मजदूर बनकर ही मैंने जाना है कि इनकी तकलीफें क्या होती हैं, और जब तक मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेता मैं यहाँ पर मजदूर बनकर ही रहूंगा। इनकी प्रॉब्लम्स के चक्कर में तुम अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भाग रहे हो। तुम ये भूलते जा रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरी तरफ भी तुम्हारी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है मैडम। सूरज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर किरण बनकर आई हूँ और तुम मेरे बजाय इन वर्कर्स का साथ दे रहे हो। अगर तुम यही चाहते हो ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना ये गिफ्ट लेकर यहाँ से जा सकते हो। मैडम चाहे आप मुझे गलत समझे लेकिन मुझे आपके साथ साथ उन मजदूरों की भी फिक्र है। ईश्वर की कृपा है कि आनंद के माँ बाप इस बात से खफा नहीं है, वो इस शादी के लिए राजी है। अब जितनी जल्दी हो सके हमें सेजल की शादी करवा देनी चाहिए, हमारी बच्ची अपने घर चली जाए, यही हम सबके लिए अच्छा है। भाई इस लड़की के नसीब अच्छे हैं जो उसे आनंद के माँ बाप जैसे सास और ससुर मिले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है, सेजल को अपनी बहू की हैसियत से एक्सेप्ट किया है। उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ये नहीं कर पाता था। नहीं सॉरी, मैं सेजल को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अब बस पी कीजिए, सेजल खुद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। होना ही था, उस लड़की को शर्मिंदा तो होना ही था, काम ही ऐसा किया था।
नहीं सिर्फ उसे नहीं हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा, ऐसा काम किया है उस लड़की ने। भैया जरा सोचिए, इस बात की खबर अगर समाज में फैलती तो हमारी क्या इज्जत रहती। नहीं भैया, मैं इस हादसे को भुला नहीं पाऊंगा। पर जेडी, इस बात का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए कि नहीं? अगर तुम ही इस तरीके से करोगे तो बाकी सबका क्या होगा, कैसे काम चलेगा? आपने सेजल से कितने दिनों से बात भी नहीं की है। नहीं करूंगा, मैं उस लड़की से बात करना भी नहीं चाहता आज के बाद। वो मेरी बेटी नहीं है। और हाँ भैया, मैं कह देता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी शादी में हाजिर रहूंगा, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये शादी में आने की। मैं सेजल को कभी माफ नहीं करूंगा। चेटी, अगर बच्चे गलती करें तो माँ बाप को अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना चाहिए। सेजल अभी बच्ची है, नादान है। मुझे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी है, हमारा खून है। जीडी प्लीज, सेजल ने जो कुछ भी किया उसे एक बुरा सपना समझकर भुला दीजिए। भूलना चाहता हूँ ना मैं तो गायत्री, मैं इस हादसे को भूलना चाहता हूँ, लेकिन कमबख्त ये मेरा दिमाग ही ऐसा है जो भूल नहीं पा रहा है। सच कहता हूँ भैया, जितनी बार इस हादसे को भुलाने की कोशिश करता हूँ कमबख्त उतनी ही बार मैं घुटन सी महसूस करता हूँ। दगा दिया इस लड़की ने मुझे, मेरे विश्वास का खून किया इस लड़की ने। प्लीज आई एम सॉरी, आइंदा इस बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। और मैं कह देता हूं, मैं ये शादी में नहीं आऊंगा, हरगिज नहीं आऊंगा। जेडी, आरती, ये तुम क्या कर रही हो? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तो देखो सूरज, जैसे तुमने मजदूर बनके यहाँ के मजदूरों के सुख दुख को समझ लिया है, ठीक वैसे ही बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ मैंने भी समझ लिया है। मैं सामने वाले की नीड को अच्छी तरह से समझ लेती हूँ और उसे ध्यान में रखते हुए उससे डील करती हूँ। एनीवे, ये सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अब बात बहुत सीरियस हो चुकी है और तुमने अभी तक एग्रीमेंट के बारे में डिसाइड नहीं किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? सूरज, तुम बार बार एक ही बात को क्यों दोहराते रहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरती, तुम बदल गई हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, नाटक कर रही हो तुम हमारे साथ। और तुम, मुझे भी तुमसे ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं थी। वो कस्तूरी अच्छी तरह से जानती है कि तुम और मैं पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ रह रही है, या फिर तुम उसके साथ रह रहे हो, तो बदला कौन, तुम या मैं? आरती, देखो मुझे मैडम कहो। सूरज, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर हो और मेरे केबिन में मुझसे ऊंची आवाज करके कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं मजदूर हूं, लेकिन ये मजदूर क्या कर सकता है अब दिखा देगा तुम्हें। अब सिर्फ मेरी ही नहीं, सबकी आवाज ऊंची होगी एक साथ। रिमेंबर दैट। अब शायद वक्त आ ही गया है कि इस फैक्ट्री का फैसला कर दिया जाए। I am so sorry, मैं लेट हो गया। पूजा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। I'm sorry. तुम मुंह धो लो, मैं खाना लगाती। मैं खाना खा चुका हूँ, आप खाना खा लीजिए। I'll change and come, okay? राजीव, कम से कम एक फोन तो कर देते। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बिना खा नहीं सकती, इसलिए कि तुम्हें खिलाना मेरा फर्ज है। तुम्हारा इस तरह टेबल पर वेट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें भूख लगे, तुम खाना खा लो। राजीव, मुझे तुमसे एक बात करनी। अभी कुछ कहना बाकी है? कल सेजल और आनंद की शादी है। मुझे याद है, मैं वहां जाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम शादी में नहीं जाओ। क्या? ठीक है, जैसा तुम कहो। May I speak to Mr. Hemant Virani, please? Sorry, madam. He is not there in the office. Okay, fine. Can you please tell him that Pooja had called?
फ्रॉम इंडिया. ओके या थैंक यू.